सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपनी कैसी मजबूरी बताई? सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कह दिया कि जब तक मौत की सजा वाली बात ना हो ना आए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जो अपने कामकाज में बेहद तेजी के लिए जाने जाते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों से पहले बेहद व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। शायद वे उससे पहले ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई पूरी करवा लेना चाहते हैं, लिहाजा उनकी ये व्यस्तता तब भी दिखाई दी जब इससे जुड़ा एक दिलचस्प वाकया सुप्रीम कोर्ट में हुआ। दरअसल एक वकील ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की छुट्टियों से पहले की तारीख की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कृपा कर आप हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि छुट्टियों से पहले ये आखिरी सप्ताह है, दो जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं, तो कृपया जब तक मौत की सजा पर अमल ना हो रहा हो सुप्रीम कोर्ट ना आए। उनके ऐसा कहने का आशय दरअसल ये था कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट पर केसों को निपटाने का बेहद दबाव है, ऐसे में जब तक कोई इमरजेंसी वाली स्थिति ना हो या जब तक कि बहुत बड़ी बात ना हो सुप्रीम कोर्ट में किसी नई अपील के साथ आने में परहेज करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बार और वकीलों को हमारी स्थिति समझनी चाहिए कि कोर्ट को छुट्टियों से पहले के आखिरी सप्ताह में ऐसी अपीलों पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जानते हैं कि कोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन उनमें से कई वकील ऐसी चाहत रखते हैं कि छुट्टियां पड़ने से पहले उनके मामलों की संबंधित अपीलों की सुनवाई हो जाए ताकि उनके मुवक्किल को राहत मिल सके। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जजों की कमी और टाइमिंग का हवाला देते हुए अपनी टिप्पणी से ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मौत की सजा पर अमल ना हो हम इस समय केस नहीं सुन सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं बार से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे पास 237 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। ऐसे में मैं निवेदन करता हूँ कि आप तभी किसी मामले का जिक्र करें जब कोई बड़ी इमरजेंसी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा के सामने भी ऐसा ही मामला सामने आया। एक वकील के खास तारीख पर मामले का जिक्र करने को लेकर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि चीफ जस्टिस पहले ही इशारा कर चुके हैं कि नए मामले आखिरी सप्ताह में आएंगे। अगर आप आखिरी सप्ताह में कोई खास डेट चाहते हैं तो कोर्ट मास्टर से बात कीजिए, इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार खुद इस बात का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साल में 200 दिन काम करते हैं, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 80 दिन ही काम होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में भी 100 दिन से कम ही काम होता है। वहीं ब्रिटेन और सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट में 145 दिन ही काम होता है। इस लिहाज से भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो 200 दिन काम करती है इन सभी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।